सर्वांना माहित आहे की या मध्ये महा मेळावा ई लिस्टिंगच्या संदर्भात आयोजित केली आहे जनजाती सल्लागार समितीनं आणि या तमाम गडचिरोली चंद्रपूर भंडारा गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्याचे संपूर्ण आदिवासी जनता या ई लिस्टिंगच्या संदर्भात यहां पे आए हुए हैं आणि इसका मतलब यही है कि आजादी के 75 साल के बाद भी हमारे लोग धर्मांतर बहुत सारे हो रहा है। धर्मांतर को रोकने के लिए हमारे डीलिस्टिंग का कायदा कानून केंद्र सरकार में लाना चाहिए करके ये हमारा ये महामेड़ावा है। इससे आपको सभी को मालूम है 341 के मुताबिक शेड्यूल कास्ट को अपना आरक्षण मिलता है उसमें, लेकिन कोई शेड्यूल कास्ट का ही धर्मांतर होता है खत्म हो जाता है। लेकिन 342 कलम के अंतर्गत अगर आदिवासी जनजाति को हमको रिजर्वेशन मिला है, लेकिन हमारे जाति के उस संशोधन के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के अंदर जो दिया है 342 के अंदर कोई भी जनजाति धर्मांतर होता है उनको मात्र रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मिलते हैं। हमारा यही मांग है कि तमाम देश के अंदर के आदिवासी जनजाति माहौल करता है उनको अधिकार है, लोकतांत्रिक उनको अधिकार है, लेकिन हमारा रिजर्वेशन ट्राइबल रिजर्वेशन उनको अनुसूचित शेड्यूल में उनका नाम खत्म करना चाहिए, उनको हमारा फैसिलिटी नहीं मिलना चाहिए करके ये हमारा इस नागपुर के अंदर गढ़चिरौली हो चंद्रपुर हो भंडारा हो गोंदिया सभी पूर्व के अंदर के सभी हमारे जनजाति समुदाय यहाँ पे महामेड़ावा आया है ताकि हम केंद्र सरकार को बोले कि हमारा 342 के अंदर संशोधन हो, उनको डेवलप उनको बाबा धर्मांतर जो भी आदिवासी करता है उसका रिजर्वेशन खत्म करो, उनको शेड्यूल ट्राइब के लिस्ट में उनको खत्म करो। यही मांगने के लिए आज गढ़चिरौली के अंदर के ये नागपुर के अंदर 6-7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा महामेड़ावा रखा है, इसलिए हम पूरे विधायक ट्राइबल विधायक यहाँ पे आए हैं। तमाम आदिवासी जनता को हम यही बोलना चाहते हैं कि धर्मांतर मत करो, धर्मांतर रोकने के लिए हमारे एक कानून लाना चाहिए ताकि हमारा धर्म संस्कृति देवी देवता पूजा अर्चा जो भी हमारा संस्कृति के मुताबिक हम यहाँ पर रहते हैं वो हमारे टिक के रहना चाहिए करके हमारा ये महामेड़ावा है। ये हमारा महाराष्ट्र का प्रश्न नहीं है, विदर्भ का प्रश्न नहीं है, ये देश का प्रश्न है। केंद्र सरकार हमारा है, आप लोगों को सबको मालूम है 1967 के अंदर 326 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये लोगों ने यहाँ पे उन्होंने अपना पूरे खासदार को लोगों के साथ में उन्होंने किया, लेकिन वो 1967 से आज तक 2023 तक एक भी वो कानून में सुधारना नहीं हुआ। ये सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को हम बताना चाहता है कि हमारा आदिवासी समाज को धर्मांतर रोकने के लिए ये कानून जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार राज्य सरकार लाए, यही विनंती के लिए हम लोग सरकार के खिलाफ हो सरकार के महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को हम दबाव डाल रहे हैं कि हमारा आदिवासी को जिंदा रखना है, उनको यदि चाली रीति रूढ़ी परंपरा को जिंदा रखना है तो हमारा को वो 342 के कायदे के अंदर दुरुस्त करे और जो भी धर्मांतर होता है उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो। आदिवासी संघ के साथ पूरे हमारा सरकार केंद्र सरकार राज्य सरकार है, हम लोग भी एमएलए एमपी जो भी हम ट्राइबल के साथ में है उसको होते रहता है, लेकिन उसके लिए हम पुलिस कार्रवाई हम करवाने के लिए हम बोलेंगे। हमारा महाराष्ट्र सरकार के माननीय देवेंद्र जी फडणवीस हो, माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, अजीत दादा हो, उनको हम बोलेंगे कि उनको पर कड़क कार्रवाई करें। क्या संदेश देना चाहेंगे आपके आदिवासियों को? हम यही संदेश दे रहे हैं कि जो भी हमारा आदिवासी समाज धर्मांतर होगा तो उनका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, इसलिए धर्मांतर कायदा हम जल्दी ही लाएंगे, आने वाले समय में हम जल्दी ही लाएंगे। नागपुर के अधिवेशन के अंदर हम भी ये मुद्दा उठाएंगे, हमारे यहाँ पूरे एमएलए है एमपी लोग हैं, हम ये मुद्दा उठा के केंद्र सरकार को बाधित करे कि ये धर्मांतर कानून जल्दी के जल्दी यहाँ के केंद्र के अंदर लाए।